तो हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल में। इसका नाम है टोकुलोंगसो। जगह बहुत सुंदर है। सबको वेलकम करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल दिमापुर बंगाली में। आज थोड़ा गला बैठ गया इसलिए आवाज़ तो आपको अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग आए हैं एक वाटरफॉल, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। नाम है टोकुलोंगसो वाटरफॉल। ये कार्बी आंग्लोंग डिस्ट्रिक्ट में गिरता है। तो चलिए आगे देख के आगे दिखाते क्या क्या है। रास्ता बहुत ही स्टीप है तो इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। बहुत दूर तक आए हैं हम लोग। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही एडवेंचरस जगह है। तो मेरा फैमिली के लिए, मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ये देखिए पानी जा रहा है नीचे से, जैसे कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है। ये देखिए झरना, हम लोग ठीक झरना के सामने ही है। तो कभी इसका वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। जगह बहुत सुंदर है लेकिन लोगों ने इधर में पिकनिक विकनिक करके पूरा गंदा करके रख दिया है। तो चल रहे हैं हम लोग, ऊपर जा रहे हैं। आप लोग थोड़ी देर में दिखा रहे हैं, जाएंगे ऊपर भी जाएंगे हम लोग। ये देखिए पानी इधर से जा रहा है, बहुत ही साफ सुथरा पानी है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल में। देखिए कैसा गिर रहा है पानी। पानी के सामने जाने का साहस नहीं हो रहा है क्योंकि सर्दी है, सर्दी लगा हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो, रुकिए और थोड़ा सामने रहने की कोशिश करूँगा। ये देखिए बहुत ही सामने है अभी वाटरफॉल के। तो आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है बताइए। इसका नाम है टोकुलोंगसो वाटरफॉल। ये बालीपथार डिस्ट्रिक्ट जो है कार्बी आंग्लोंग का, बालीपथार टाउन में, उसमें एक छोटा सा वो है, गांव है। और गांव में ये ऐसा है। मौसम भी देखिए, मौसम भी ऐसा साथ दे रहा है, एकदम क्लाउडी डार्क वेदर है। ये देखिए सब पानी से खेल रहे हैं। बहुत आइसोलेटेड जगह है, इधर में बहुत कम लोग आते हैं पिकनिक के लिए। विलेज इतना डेवलप नहीं है। हम लोगों ने इतना ऐसे देखिए ऐसे पार करके हम लोग ऊपर में आए। तो जो विलेज है वो इतना डेवलप नहीं है और रास्ता भी इतना खास अच्छा नहीं है। फिर भी हम लोग आए, आके ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को दिखा सके। तो मैं और थोड़ा सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जगह, कमेंट करके बताइएगा। ये वाटरफॉल हम लोग जो विज़िट किया है ये बोकाजान सब डिविजन का अंडर में आता है। पिछला बार जो आप लोगों को दिखाया था लॉन्ग बुकू, वो मांझा टाउन का उस में था।
वो रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है। वो भी कार्बी अंगलोंग था, ये भी कार्बी अंगलोंग है, लेकिन इसका लोकेशन पूरा अपोजिट है। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके आपसे बात करेंगे। देखिए कितना सुंदर हो रहा है ये वाटरफॉल। अरे विंटर का सीजन है, प्लस हम लोग को सबको सर्दी लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों को साहस नहीं हो रहा है कि पानी का एकदम ठीक नीचे जाके उधर में फोटो खिंचवाए या वीडियो बनाए। लेकिन जगह बहुत सुंदर है, मिस कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जाने के लिए। तो हम लोग अभी नीचे की तरफ आ गए हैं। ये वाटरफॉल ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत कम टूरिस्ट आते हैं इस तरफ। ये देखिए ठीक जैसे दिखाई दे रहा है, तो जगह को इसलिए उतना एक्सप्लोर नहीं किया। लोकल जो जानते हैं या दिमापुर से कोई कोई जानता है, वो लोग आते हैं आके इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग जैसे जाना वर्ड ऑफ माउथ दूसरा से सुन के इस जगह में आया। अभी हम लोगों ने देखा तो हम लोग अभी इसको बताएंगे लोगों को, तो दूसरा लोग भी आएंगे, तो उस तरह से ये जगह थोड़ा एक्सप्लोर होगा। अभी उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, इसलिए इस जगह का मतलब इतना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब लोगों को पता नहीं है बोल के इस जगह इतना डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव से मैं बोला था। तो जब सब लोग जान जाएंगे तब ये जगह ठीक हो जाएगा। तो हम लोग अभी रिटर्न जाने वाले हैं दिमापुर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग काइंडली बताइएगा कमेंट करके। हम लोग बहुत कष्ट करके इतना दूर आए हैं, लगभग हाईवे तक आने के लिए लगा 1 घंटा, हाईवे से इधर आने के लिए फिर 1 घंटा, मतलब 2 घंटा लग गया हम लोग को इधर आने के लिए। तो 2 घंटा में हम लोग आया, अभी देखा लेकिन हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो काइंडली बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा अच्छा वीडियो देख पाए। तो यहीं तक ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।